हेलो फ्रेंड्स, आई एम रसन साहब फ्रॉम सीएमसीटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्यूबीएससी प्रोग्राम के अंतर्गत हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, क्यूबीएससी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रोग्राम बनाया जाता है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर का प्रोग्राम मैंने बनाया था जिसमें सिंपल सा प्रोग्राम था जहाँ पर कोई एक कंडीशन यूज नहीं था। दोस्तों, इसमें हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम टू कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे जहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया जाता है, जैसे कि ऑड इवन प्रोग्राम, ग्रेटर स्मॉलर प्रोग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्राम, और यहाँ पे प्राइम कंपोजिट का प्रोग्राम, और इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम सबका, सारे जो एपिल स्टेटमेंट का यानी कि टू कंडीशन का जो कलेक्शन प्रोग्राम है सबके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं दोस्तों आज का ट्यूटोरियल। यहाँ से स्केप करते हैं। सबसे पहले हम रेम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। दोस्तों, रेम स्टेटमेंट में क्या होता है, कौन सा प्रोग्राम है और किस तरह का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट पॉजिटिव और निगेटिव कर देते हैं, बेटर होगा। यहाँ पे PLNT प्रिंट पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे CLS करते हैं। CLS करने के बाद यहाँ पे एक नंबर लेते हैं। दोस्तों, ये पहला प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे कलेक्शन आपका प्रोग्राम होगा, इसका एफिल सिलेक्ट का जितना प्रोग्राम होगा सबका दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन होगा, ठीक है। इंटर द नंबर, नंबर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे n लेते हैं, और जब भी n लेंगे तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, इफ यहाँ पे n मोड 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देन क्या होगा, अगर इफ में n में 2 से डिवाइड करने के बाद 0 होगा तो देन क्या होगा, यहाँ पे PRNT प्रिंट, यहाँ पे n सेमीकोलन इज, क्या होगा दोस्तों, हमें इवन नंबर होगा, ठीक है। किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करने रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इवन नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इल्स में इल्स यहाँ पे PRNT प्रिंट, यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। दोस्तों, ये ऑड इवन का प्रोग्राम है, ठीक है। ये दोस्तों ऑड इवन का प्रोग्राम है और ये सिंपल प्रोग्राम है ऑड इवन का। यहाँ पे टू कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन दोस्तों ईव है और सेकंड कंडीशन में इल्स है। एक बात मैं जना दूं, इल्स स्टेटमेंट में आप कभी भी कंडीशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इल्स दोस्तों कंडीशन सपोर्ट नहीं करते। इल्स का मतलब होता है अदरवाइज, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एंड इज इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे सेकेंड ऑड नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर, एन इज इवन नंबर, और इल्स यहाँ पे एन सेमीकोलन यहाँ पे इज दे देते हैं दोस्तों, अच्छा रहता है, इज ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज इल्स का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। F5 करके देखें, यहाँ पे हम 7 देते हैं, 7 देने के बाद ऑड नंबर, ठीक है। अगर F5 करते हैं, यहाँ पे 12 देते हैं, इसके बाद ये होगा इवन नंबर, ठीक है। इस तरह आसानी से कर सकते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे इस तरह ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन .bs कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ऑल्ट एफ में न्यू अगर ओपन करना चाहते हैं, ऑल्ट एफ में ओपन करके हम यहाँ पे ऑड इवन दोस्तों यहाँ पे जो है इसे हम क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, आसानी से ये प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं, अल्ट एफ न्यू। अब सेकेंड प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, REM रेम, ठीक है, PRNT प्रिंट ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर, तो दो नंबर लेना होगा इसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, CLS करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इनपुट लेंगे, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो होते हैं यहाँ पे दो नंबर में ग्रेटर होते हैं, इंटर एनी टू नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंटर एनी टू नंबर A, B ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें AB दोस्तों वेरिएबल है, यहाँ पे सिंगल पिशन वेरिएबल है, यहाँ पे एक सिंगल पिशन वेरिएबल 4 बाइट लेते हैं, 2 में 8 बाइट लेगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इफ कंडीशन चालू करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो देन यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे PRNT प्रिंट ए सेमीकोलन इज ग्रेटर नंबर, ठीक है, ईयर ग्रेटर नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इल्स काम करेगा, यहाँ पे PRNT प्रिंट बी सेमीकोलन इज ग्रेटर नंबर। कहने का मतलब है कि आप जितने सारे प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो आउटपुट वहाँ पे लाना होता है, तो उस सारे प्रोग्राम दोस्तों यहाँ ई फील्ड से
एन से बनाया जाता है। ई जब भी आपको इंडिफ से टर्मिनेट होता है, आप देख सकते हैं कि ईपिल स्टेटमेंट कंडीशन टू होगा इफ का, तो इफ के स्टेटमेंट जो ई ब्लॉक का स्टेटमेंट यूज होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पे इल्स का जो है इल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इंडिफ कर लेते हैं और फाइनली प्रोग्राम को क्या कर देते हैं दोस्तों, टर्मिनेट कर देते हैं, F5 करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 करेंगे और यहाँ पे 34 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 34 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे F5 करते हैं, यहाँ पे 689 करेंगे और यहाँ पे 34, तो यहाँ पे क्या होगा, 89 इज ग्रेटर नंबर। तो इस तरह दोस्तों हम बना सकते हैं आसानी से, क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम ग्रेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी में दोस्तों ग्रेटर और स्मॉलर नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे ए बी देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी, एक बार ध्यान रहे, वेरिएबल जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये रूल्स है वेरिएबल का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी अगर ए ग्रेटर है तो अगर स्मॉलर भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट बी सेमीकोलन इज स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर। यहाँ पे बी सेमीकोलन इज स्मॉलर नंबर, अगर बी स्मॉलर ए ग्रेटर है तो बी स्मॉलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बी ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर एन टी प्रिंट ए सेमीकोलन इज एस एम ए डबल एल एल स्मॉलर नंबर, ठीक है। अगर ए ग्रेटर है तो बी स्मॉलर होगा, अब बी ग्रेटर है तो स्मॉलर। अब रन करके देखें दोस्तों, यहाँ पे 34 करते हैं और 45 करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 ग्रेटर है और 34 स्मॉलर है। अगर F5 करते हैं, यहाँ पे करते हैं दोस्तों 23 और यहाँ पे कमा कर देते हैं यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 23 ग्रेटर होगा और 12 स्मॉलर होगा। इस तरह दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रेटर और स्मॉलर हम प्रोग्राम बना सकते हैं आसानी से दोस्तों, ई फिल से स्टेटमेंट इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जी आर ई ए टी आर ग्रेटर डॉट बी एस, ठीक है। अब इसमें किसी ने सवाल कर दिया कि भैया कितना वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, सब सिंगल पिशन वेरिएबल है जिसे डिफॉल्ट कहते हैं, ए बी है दोस्तों। एक सिंगल पिशन वेरिएबल 4 बाइट लेते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम जो है मेमोरी में 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल 2 है और यहाँ पे 2 कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये इफ जो है एज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है प्रिंट एज ग्रेटर नंबर और बी इज स्मॉलर नंबर, तो दोस्तों इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है, ये इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट है। अगर इफ का कंडीशन 2 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो इल्स सपोर्ट इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे बी ग्रेटर और एज स्मॉलर। और एक इफ जो होते हैं, जो जितने सारे जो कि बेसिक में स्टेटमेंट होते हैं सिलेक्शन का, सबका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जब भी है तो यहाँ पे इंडिफ से क्लोज होगा, फाइनली प्रोग्राम को टर्मिनेटेड इंड से होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम बना के हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ऑल टैप मेन्यू में जाते हैं, अब एक नंबर लेंगे आर ई एम रेम, ठीक है। यहाँ पे पी आर एन टी प्रिंट क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव और यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यहाँ लेते हैं और यहाँ पे सी एल एस करेंगे, इनपुट यहाँ पे करना है, इनपुट इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर में क्या करेंगे दोस्तों, एन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, इफ एन इज ग्रेटर देन 0, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर होता है तो क्या होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे देन देना होगा क्योंकि ये सिंटैक्स है दोस्तों, इफ एन इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इफ देना है, यहाँ पे इफ एन इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे एन सेमीकोलन इज पॉजिटिव नंबर, पी ओ एस आई टी आई भी पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पे इल्स स्टेटमेंट सपोर्ट होगा और यहाँ पे इल्स प्रिंट होगा क्या, पी आर एन टी प्रिंट एन सेमीकोलन इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इफ और यहाँ पे इंट इफ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ जो है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी में दोस्तों यहाँ पे इफ है और इल्स है, इल्स का भी स्टेटमेंट होता है और इफ का भी होता है। जब इफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इफ का यहाँ पे एग्जूट होगा स्टेटमेंट, अगर फॉल्स रहा तो इल्स का एग्जूट होगा। दोस्तों इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, एन वेरिएबल है। मैं फिर एक बार आपको जना दूँ कि वेरिएबल जो होते हैं, जब भी आपको लेटर से बिगिन होता है, वेरिएबल कभी भी स्पेशल कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करते और वेरिएबल में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। अब वेरिएबल जितने रिजल्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे इनपुट है, प्रिंट है, लेट है, गो टू है, उसमें से आप एक भी रिजर्व वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा जितने सारे ऑपरेटर का सिंबल वो वेरिएबल में आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और तो ये सब रहा दोस्तों वेरिएबल्स का रूल्स। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अब प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई एन डी इंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर F5 करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटर द नंबर 45, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो इस तरह
जितने सारे आपको जो ईफिल से रिलेटेड प्रोग्राम है सभी प्रोग्राम हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आसानी से अगर आप कोई भी प्रोग्राम अगर हो ईफिल्स स्टेटमेंट के सिलेक्शन स्ट्रक्चर में टू कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि इफ इल्स स्टेटमेंट को टू कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इफ कंडीशन दे करके प्रिंट कर दें स्टेटमेंट को, और इल्स दे करके इल्स में स्टेटमेंट ना दे करके प्रिंट कर दें स्टेटमेंट को। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जितने सारे आपको इफ इल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा और मैं उसमें फिर आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम दोस्तों ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट में थ्री कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।